वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रही यात्रियों से भरी बस पर आतंकियों द्वारा गोलियों से हमला के विरोध में अब देश भर में आंदोलन किए जा रहे हैं। बताया गया है कि देश भर के सामाजिक संगठन आतंकवादियों के पुतले दहन कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही भोपाल में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने भोपाल के रंगमहल चौराहे पर आतंकवादियों का पुतला दहन किया और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। माता के दर्शन करने जाने वाले तीर्थयात्रियों पर, बाबा के दर्शन करने वाले जाने वाले तीर्थयात्रियों पर 9 जून को शिवखोड़ी के निकट पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों के द्वारा 9 जून को कायराना नपुंसक हरकत की गई। निहत्ते बच्चे बूढ़े जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग करी गई और 10 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। टारगेट किलिंग की गई। हिंदू को चुन करके थर्मकर को देख करके मारा गया। जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यहां भारत में लगाते, जो पाकिस्तान पोषित इस्लामिक जिहाद का समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए। ऐसे समय में जब केंद्र की नई सरकार का गठन हो रहा है, ऐसे समय में जब धाते तारा 370 हटती है और वहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में खुशहाली का माहौल है वहाँ के वातावरण को दूषित करने के लिए, और इस देश के अंदर ऐसे लोग जो इस्लामिक जिहाद का समर्थन करते हैं, हम महामहिम राष्ट्रपति जी से ये मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को केंद्र सरकार चिन्हित करे और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आज संपूर्ण देश भर के अंदर बजरंग दल का यह प्रदर्शन है। माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को बजरंग दल के माध्यम से एक ज्ञापन दिया जा रहा है और कड़ी कार्रवाई की मांग आज बजरंग दल यहाँ पर कर रहा है।